हो रहा है, तो मांस खाता है पुत्र जी। आज दिल और दिमाग में जो एक हारमोनी है बड़ी मुश्किल से पैदा होगी। मोहम्मद हैदर को भी अलाउ करते हैं जी। दोनों बच्चों को मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दिया यहाँ से। सो यू नो व्हाट, मुझे अगर आप छोटा सा प्लीज एक कल के लेक्चर का मैसेज भेज देना, बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए बात को स्टार्ट करने में। लास्ट लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया गया, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी एनीवन प्लीज, थैंक यू जी। तो भाई लास्ट लेक्चर में यस, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने ना ये एएस वालों को तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाई थी, एक एक्स्ट्रा एक फार्मूला होता है जिसको हम पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। वो एमसीक्यू जब आपके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने काम का फार्मूला है, आपको तब पता चलेगा वो कितने काम का फार्मूला है। लेकिन अगर मैं जनरल क्लास की बात करूँ तो जनरली हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वी हैव आई थिंक थ्योरेटिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। लाइक अगर मैं पूछूं आपसे थ्योरी में क्या क्या है तो आपको पता चलेगा कि हमने थ्योरी में सबसे पहले चीज क्या पढ़ी होगी। लाइक मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपको पढ़ाई होगी, इलेक्ट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है ना। जरा आप मुझे बताइए कौन कौन सी क्वांटिटीज मैंने आपको पढ़ाई हैं। आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वांटिटीज पढ़ाई हैं, ऑलमोस्ट सारे की सारी क्वांटिटीज पढ़ाई हैं। नंबर वन मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल इनफैक्ट मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और उस फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई, ठीक है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि हम वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है, जिसके लिए हमने लफ्ज वोल्टेज का इस्तेमाल भी किया होगा और जिसके लिए हमने लफ्ज ईएमएफ का इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है। वोल्टेज का लफ्ज पढ़ाया है, ठीक है, और अगर वो बैटरी की तरफ से हो तो उसके लिए हमने एक ईएमएफ का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ भी लिख दूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। फिर जी इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल करंट के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ाई है, अच्छा। इन तमाम क्वांटिटीज के हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद हैं, कौन कौन से हैं जी, अगर आप देखें तो आई थिंक मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में क्या चीज पढ़ाई है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था दैट वाज कि जी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड ड्यू टू विच देयर इज अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप -1 कह दें अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, -1 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो -1 का ओवरऑल चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो 2 into लूज हुए तो पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है, पर लूज हुए तो पॉजिटिव होता है, गेन हुए तो नेगेटिव होता है, वो आपको पता है। फिर आपको मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ाई है दैट इज कैपिटल ई, जिसके लिए हमने फॉर्मूला फोर्स ओवर क्यू पढ़ा है, और अगर आप यहाँ से फोर्थ को सब्जेक्ट बना लें तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज क्यू भी पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टेज का लफ्ज इस्तेमाल किए और वोल्टेज के लिए हमने कहा जी डब्ल्यू दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर अगर आप इसको ये कह दें कि जी हमने यहाँ से वर्क डन का भी फॉर्मूला पढ़ा है वोल्टेज इनटू चार्ज, तो आई होप आपको ये भी बात समझ आएगी। फिर जहां तक ताल्लुक है ईएमएफ का तो हमने ईएमएफ के साथ पढ़ा है द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर क्या, पर यूनिट चार्ज,
in driving it throughout the circuit. अब इसी जुमले को आप क्या कर लें, इसी जुमले को आप डेफिनेशन मान लें, इसी जुमले को आप फॉर्मूला मान लें. अगर मैं इसको फॉर्मूला कर की शक्ल में लिखना चाहूंगा तो फॉर्मूला ये होगा, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए मैंने आपको I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ाया है. यहां से अगर आपका दिल करे तो क्यू का सब्जेक्ट बना लें I इंटू टी, बिकॉज यू नो हर फॉर्मूले में एक फ्रैक्शन है. हमने चाहा तो यहाँ से फोर्स को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ भी एक फ्रैक्शन थी, चाहा तो वर्क डन को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे भी करंट था करंट में भी यहाँ से हमने चाहा तो क्यू को सब्जेक्ट बना लिया. फिर मैंने आपको जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ाई तो हमने आपको V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पढ़ाया, और यहाँ से फिर मैंने आर को जब सब्जेक्ट बनाया तो जब हमने आर का सब्जेक्ट बनाया, एक सेकेंड, R came out to be V over I, और जब आप यहाँ से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ये रेशो वाला फॉर्मूला है तो आप यहाँ से अगर V को सब्जेक्ट बनाते हो तो इट इज V इज इक्वल टू I इंटू R. ठीक है. अच्छा, फिर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशंस. हाँ जी, फिर हमने छठे के बाद सातवें नंबर पे कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बल्कि एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पढ़ा दूं पहले, बल्कि यहाँ रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ इसलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमने दो पढ़े. हमने कहा जी एक फार्मूला हमारे पास है आर नेट वाला, सीधा आर नेट इज इक्वल टू क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 जितने भी आर हैं वो, या फिर हमने कहा वन ओवर आर नेट इज इक्वल टू क्या, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक हो गया. सो अब ये जो मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाया है, ये सीधा सीधा किसके लिए है, सीधा सीधा इज फॉर सीरीज सर्किट, एंड ये जो उल्टा उल्टा है इट इज फॉर पैरेलल सर्किट. एक सेकेंड होल्ड कीजिए. बात सुनने, ये दिस वॉज फॉर पैरेलल सर्किट. ओके, फिर एक बच्चा कहता सर हमने एक और क्वांटिटी भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन. वैसे तो फिर मैंने इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ाई थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो आई थिंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले ऑलमोस्ट इकट्ठे थे, सिर्फ टाइम का फर्क था. तो मैं एक ही लिखवाऊंगा अभी या तो टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाऊं उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर के बनेंगे, पावर के लिखवाऊं तो उनको टाइम से मल्टीप्लाई कर लिए, पावर के लिखवाता हूं इलेक्ट्रिकल. बल्कि एक सेकेंड होल्ड कीजिए, ये जो आपके पास फॉर्मूला है वोल्ट वर्क डन वाला, ये किसका है, वर्क डन एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला बना. इसी को अगर आप क्या करें, इसी को अगर आपने क्या किया होगा, इसी को मेरे ख्याल से आपने क्यू की जगह क्या लिखा होगा, वी क्यू की जगह क्या लिखा होगा सर, आपने वर्क डन की जगह अगर एनर्जी लिखा, ठीक है, और क्यू की जगह आईटी लिखा, ये हो सकता था, या फिर वी की जगह आईआर लिखा, आईआर इंटू आई, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, या फिर वी की जगह वी लिखा, आई की जगह अगर वी ओवर आर लिखा तो वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी हो जाएगा. ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. अच्छा, अभी अभी मैं कौन सा लिखवाना चाहूंगा, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर कि अगर आपको फॉर्मूला लिखवाऊं तो शायद आपको मालूम हो कि पावर का जो बुनियादी फॉर्मूला होता है, पावर का बुनियादी फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सर एनर्जी ओवर टाइम. तो आपके पास ये जितने भी एनर्जी के फॉर्मूले हैं इन सबको आप क्या करें, बारी बारी टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनेगा. जो सबसे पहला फॉर्मूला है वी क्यू, है जी, वी क्यू को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो यू गेट वी क्यू अपॉन टी, और अगर आप वी आई टी को टाइम से डिवाइड कर लें तो यू गेट वी आई, अगर आप इस आई स्क्वायर आर इंटू टी को टाइम से डिवाइड कर लें तो यू गेट आई स्क्वायर आर, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करें यू गेट वी स्क्वायर अपॉन आर,
और मुझसे अगर पूछेंगे तो लेट मी टेल यू, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। आई बिलीव ज्यादातर जो पेपर में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वी इंटू आई। इस फॉर्मूले को पावर के लिए याद रखिए, इस फॉर्मूले को रटा अगर किसी का कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना तो कॉन्सेप्ट ये रटा अगर किसी का मारना तो ये वी इंटू आई का रटा मार लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, फिर इसके बाद आप लोगों ने दो लॉज, ये मैं एक समरी सी बयान कर रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है अभी तक। अच्छा वैसे वैसे जो ये क्या कहते हैं एएस वाले हैं, एएस वाले इस इलेक्ट्रिकल करंट का एक और फॉर्मूला भी अपने पास लिखते हैं। अगर आप इस समरी को नोट कर रहे हैं, अगर आप इस इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की समरी को नोट कर रहे हैं तो प्लीज एक काम कीजिए कि आप एक और अपने पास जो है तो फॉर्मूला नोट कर लें, कौन सा, इलेक्ट्रिकल करंट का वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। जी बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, वो भी यहाँ पे लिख दीजिए अगर आप समरी नोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास दो लॉज हैं कि अगर किसी पॉइंट पे कोई करंट एंटर हो रहा है उस पॉइंट में से वहीं से उतना ही करंट एग्जिट होगा, ठीक है। अच्छा एल ओ लवर्स वाले इसको लिखेंगे नहीं लेकिन जस्ट सुनेंगे कि हमने एक असूल पढ़ा है, किस नाम से जी, एक था हमारे पास किरशॉफ, यस कुछ साइंसदान है अजीबो गरीब सा, ये सिर्फ ए लवर्स के लिए, किरशॉफ फर्स्ट लॉ, फिर देर इज दिस किरशॉफ सेकेंड लॉ। इसको मैं जरा बिल्कुल ही डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि आप क्या करें, आप याद रखें कि ये सिर्फ ओ लेवल्स के लिए। व्हाट इज इट, सम ऑफ करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट इन अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट आउट ऑफ दैट पॉइंट, या फिर सम ऑफ वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू क्या, जी सम ऑफ करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग अ पॉइंट, फिर सर जी सम ऑफ वोल्टेजेस प्रोवाइडेड इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेजेस कंज्यूम्ड। आपको ओ लेवल्स वालों को अगर मैंने ये लॉज लिखवाए कि नहीं लिखवाए, लॉज के तौर पर मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, आइडिया के तौर पर मैंने उनको जरूर बताया कि यार जितना करंट कहीं से अगर किसी ओ लेवल्स वाले, इसको पता कैसे समझेंगे, सर किसी अप्लायंस में कोई करंट एंटर होता है तो करंट उतना ही एग्जिट होता है, जितना करंट एंटर होता है उतनी करंट एग्जिट होता है, इसका मतलब है करंट कंज्यूम नहीं होता, इसका मैंने ऐसे जुमला लिखवाया था। फिर किसी बैटरी में, किसी सर्किट में जितना बैटरी ने वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो रेजिस्टर्स के क्रॉस उतना ही ड्रॉप होगा, ना तो एक्स्ट्रा ड्रॉप हो सकता है ना एक्स्ट्रा कहीं से वापस आ सकता है। खैर बहरहाल ये सारे मैंने आपको कुछ लॉज लिखवाए हुए हैं, ठीक है, आप अगर इसका कोई क्या कहते हैं VIT की जगह I square RT, जी इसको प्लीज अपने पास नोट कर लें यार, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक आपको ये फॉर्मूला पढ़ाए जी। तो बच्चों क्या इसके अलावा कोई फॉर्मूला पढ़ाया है जी बच्चों, इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉर्मूला याद आता हो, नहीं ना, नहीं ना, ओके चलें जी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बाद जो हमने दूसरी चीज पढ़ी वो इन तमाम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। चलो यूनिट्स भी हमने अंडरस्टैंड कर ली, इन्हीं के बीच में आपको समझना चाहिए हमने लॉ वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर, वो ये वीजी कुछ आई आर, वो ये वीजी कुछ आई आर। अच्छा मतलब ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे मैंशन कर दिए हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात करें या फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी है, क्वांटिटीज भी मैंने रिवाइज कर दी है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज कर दी है, एक ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ कौन से वाला, ये जो V इज इक्वल टू आई आर है जिसमें आप कहते हो ना V इज प्रोपोर्शनल टू आर, व्हाट इज दैट, दिस इज दैट ओम्स लॉ, दिस इज नोन एज दैट ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू आर, ओम्स लॉ, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू आर, V इज इक्वल टू आई आर, व्हाट इज इट, दैट इज ओम्स लॉ। अच्छा जी सो वो AS में मैंने लिखवाया था, प्लीज AS वाले यहाँ पे एक दो फार्मूला और ऐड कर लें, यहाँ पे AS वाले एक फार्मूला यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को था, इट वाज V अपॉन
डी दिस इज ए एस का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, रिमेम्बर पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। बल्कि मैं जिसको लिखता हूँ ना, किस कलर से लिखूं, ये जो मैंने ये पिंक सा कलर यूज किया है, पिंक वाले सिर्फ ओ लेवल्स के फॉर्मूले हैं, पिंक वाले जो मैंने लिखे हैं, पिंक वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये जरा ओ लेवल्स एलपीज अपने पास नोट करेंगे, सॉरी ओ लेवल्स कह रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, पिंक कलर के फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ ए एस के है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वी अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला था। फिर यहाँ पे था एक आई इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू एन ए वी ई, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था हमारे पास। ओ लेवल्स वाले इसको प्लीज देखें ही ना, सुने ही ना, समझे ही ना। जी तो भाई, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। या फिर ए एस वालों को हमने एक और भी पढ़ाया था, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, कि वी अक्रॉस एनी रजिस्टर, वी अक्रॉस एनी रजिस्टर, वी आउट कह दो उसको, या वी वी एक्स कह दो, व्हाट वाज दैट, दैट वाज सर जी कि कितनी उस जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालते हो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इनटू वी टोटल कितना है, कुछ इस तरह से हमने एक इक्वेशन लिखवाई थी। ये भी कौन लिखेगा, ये भी सिर्फ ए एस वालों ने लिखनी, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहते थे, इसको हमने पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहा था। जी तो बच्चों प्लीज बताएं, और कोई फार्मूला रहता है आप लोगों का, और कोई फार्मूला रहता है, ताकि मैं फार्मूलों के खाते से फारिग हो जाऊं। हाँ एक फार्मूला रहता है सर, ओ यस एक फार्मूला रहता है, एक फार्मूला रहता है। बल्कि अगर मैंने उस किस्से को छेड़ना स्टार्ट किया, उस किस्से को छेड़ना स्टार्ट किया तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा, उस फार्मूले को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। नहीं, एफिशिएंसी तो कॉमन सेंस है वो है, चलो बताता हूँ, छोड़ दो, मैं भी किसे ही नहीं छेड़ रहा हूँ कौन सा फार्मूला रहता है। एक फार्मूला रहता है, क्लास के एंड पे पूछ लेना मुझसे, क्लास के एंड पे मुझसे पूछ लीजिएगा। सो अभी तक हम क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने सीरीज का भी जिक्र कर लिया, पैरेलल का भी जिक्र कर लिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का जिक्र हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जिक्र हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो बैटरी है उसका जिक्र हो गया, फिर जो उसमें अप्लायंसेस होती हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज प्रोवाइडर्स हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज कंज्यूमर्स हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज मेजर करने की डिवाइसेज हैं उनका जिक्र हो गया, ठीक है जी। बैटरी हो गई, अप्लायंसेज हो गई, मीटर्स हो गए, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये आपकी अभी तक की सो फार पढ़ाए जाने वाली समरी है। सो फार इसको मैंने इसलिए लिखा है कि एक तो आपकी रिविजन हो जाए और मेरा भी एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए कि मैंने कहाँ कहाँ तक क्या क्या बातें आपसे छेड़ी हुई। अगले पेज पे जा सकता हूँ, प्लीज इस पेज की जल्दी से अगर किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लें। बल्कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दें। जी भेज चुके हैं। बच्चों प्लीज इसकी एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे, नहीं मिली। जी जी चलो जी आगे। अच्छा अब ना ठीक है, मिल गया बेटा, मिल गया। थैंक यू। अब जरा मैं इसमें से ये उड़ा दूं। जी ठीक है अब्दुल वहाब, कर सकते हैं आप जी। अब्दुल वहाब बेटा कर लीजिएगा ठीक है। अच्छा इधर सुनो जी, सो व्हाट जी एक ओ लवर्स वाले इसकी स्क्रीनशॉट लें, वो तो ए लवर्स वालों के लिए थी, ओ लवर्स वाले इसकी स्क्रीनशॉट लें। बल्कि एक सेकेंड एक और चीज भी चेंज करने दें, डेल्टा ई
डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जी कर लेंगे जी, किसी को प्रॉब्लम है बेटा? चलो मैं अगले पेज पे चला जाऊं, अगले पेज पे चला जाऊं जी। जी ओके। अब मैंने आज आपको जो सवाल कराना है, आज आपको मैं एक सवाल सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, जिसमें आई वुड लाइक के मैं आपको कुछ सर्किट बना के दूं और आपसे कहूं कि आप उन सर्किट्स को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब यह है उसमें अगर कोई भी चीज अननोन है तो उस अननोन चीज को निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स प्लीज, तमाम फॉर्मूलाज की समरी लिखवाने के बाद आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ सर्किट्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व मतलब उनमें जो भी चीज आपसे अननोन बना के पूछी जाए उसको निकालने की कोशिश कीजिए। सो मेरा अभी का सवाल क्या है? सवाल है जनाब, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स। अच्छा, अब किसी सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या है? हाँ जी, सॉल्व करने का मतलब है सर फाइंडिंग अननोन्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। अच्छा, अब किसी के भी अक्रॉस अननोन, अननोन क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी अननोन अक्रॉस एनी रजिस्टर? रजिस्टर के साथ बुनियादी तौर पर तीन चीजें जुड़ी हैं, एक उसकी रेजिस्टेंस मतलब एक उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है, एक उसका उसमें से करंट कितना जा रहा है, फिर एक उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है जी वोल्टेज ड्रॉप्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट है करंट फ्लोइंग और तीसरा कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें हैं जिनको आप किसी सर्किट में किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अननोन कह सकते हैं। व्हाट कैन बी अननोन? देयर कैन बी थ्री अननोन्स, देयर कैन बी थ्री अननोन्स अक्रॉस एनी रेजिस्टर, अक्रॉस एनी रेजिस्टर। व्हाट? कि उधर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, उसमें से करंट फ्लो कितना हुआ और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। सो एक काम करते हैं जी, एक सवाल बनाते हैं और उस सवाल को कैरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सवाल है जी, सॉल्व द फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या चीज? सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स जिनमें जिनमें मैं देखूंगा कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है या मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है या मैंने उस सीरीज या पैरेलल को, उस सीरीज या पैरेलल को कंबाइन कर देना है, ठीक है, उस सीरीज या पैरेलल को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो मुझे क्या चीज निकालनी है, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। आई होप ये सॉल्व करने का मतलब फाइंडिंग अननोन्स अक्रॉस ईच रजिस्टर आप लिख चुके हैं। देयर इज दिस रजिस्टर नंबर वन, देयर इज दिस रजिस्टर नंबर टू एंड देयर इज दिस रजिस्टर नंबर थ्री This is R1. Let me tell you, this is 10 ohms. This is R2. Let me tell you, this is 20 ohms. This is R3 and this is 30 ohms. Okay. And I've got a battery. I've got a battery which is providing a voltage of 240 volts. जो normally हमारे घरों में आता है, I think 220 या 230 या 240, 230 या 240 की figure होती है। 40 वोल्ट की बिजली हम अपने घरों में नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो 240 वोल्ट की बिजली होती है, मैं अगर कहूँ सबसे पहला जो आपके पास सर्किट है, ठीक है, सबसे पहला जो आपको ये सर्किट नजर आ रहा है, इसमें ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में कैसे लगे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा, मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा वही होगा
find the total, find the net resistance of the whole circuit. Calculate what? Calculate the net resistance. Calculate क्या चीज? Calculate the net resistance of क्या? Of the whole circuit. जी बच्चों जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए, कैसे करेंगे आप ये, कैसे करेंगे आप? नेट रेजिस्टेंस है किसकी? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। मुझे आप दो बातें बता दीजिए। सबसे सवाल है मेरा, ये सर्किट कैसा है? ये सीरीज का है कि पैरेलल का है? सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज सर्किट है। ओके, इफ इट इज अ सीरीज सर्किट तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए आप। सर उसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा R1 प्लस R2, तीन है तो तीनों को क्या करना है? तीन, अब तीनों को ऐड करना, R1 प्लस R2 प्लस R3 इधर कुछ वार्नेट। ओके, कैन यू प्लीज पुट इन द वैल्यूज? जी व्हाट आर द वैल्यूज? सर जी R1 इज 10, R2 इज 20, R3 इज 30, सो व्हाट इज Rnet? Rnet इज 10 60, इट इज 60 ohms। किसी को प्रॉब्लम है क्लास? जी बच्चो, इस बात में किसी को परेशानी है? जी ओके, सो कैन आई से कि ये जो सर्किट है, दिस सर्किट सिंप्लीफाइज टू व्हाट? कैन आई ड्रॉ द सिंप्लीफाइड इस पूरे वाले का, इस ऊपर वाले का? सिंप्लीफाइड वर्जन इज ए सिंप्लीफाइड सर्किट। बताओ जी, इस ऊपर वाले सर्किट का मैं सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बनाऊ? सर उन तीन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है कलेक्टिवली कितनी? आर नेट है 20 ohms। ओके हो गया। सर वो जो बैटरी है, बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी है? वो जो वी, एक सेकेंड, ये आर नेट के लिए हम एक सिंबल यूज करते थे आर टी। कैन आई यूज द सिंबल आर कैपिटल टी विच मीन्स टोटल रेजिस्टेंस? अगर टोटल रेजिस्टेंस 20 है, ओके, टोटल वोल्टेज कितना है? That is 240, okay जी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने पहले सर्किट को देखकर नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, उसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम आपने ये बना दी, अब मुझे बताएं, isn't it 60? Okay, sorry, 60 में 20 क्यों लिखा हुआ है? 20 क्यों लिखा हुआ है? That is 60, okay जी, 60 ohms, total voltage is 240 volts, total resistance of the circuit is 60 ohm, okay। मुझे आप एक बात बताइए कि मैं पार्ट बी पे क्या निकालूंगा? अगर मुझे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता है, मुझे सर्किट की टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस सर्किट में करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट। कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस्ड by the battery। अच्छा, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी के लिए मुझे प्लीज बताइए करंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, करंट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या है? जी भाई, V = IR या फिर I = V/R। अच्छा, अब अगर मुझे करंट प्रोड्यूस बाय द बैटरी निकालना है तो व्हाट डज इट मीन टोटल करंट इन द सर्किट? ये बोला था ना, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। प्लीज बताएं, जो करंट प्रोड्यूस बाय द बैटरी होगा व्हाट इज इट? क्या आप इसको टोटल करंट इन द सर्किट नहीं कह सकते? यस, आई कैन कॉल इट टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट।
जी टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है। तो अब अगर आप टोटल करंट इन द सर्किट इस्तेमाल कर फाइंड करना है, लेट मी टेल यू अबाउट टोटल करंट, आई टी इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी। जी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? सो हम क्या कह रहे थे कि करंट का फॉर्मूला तो होता है, ये कहाँ से निकला है? सर ये निकला है उधर से, वी इज इक्वल टू आई आर से। वी इज इक्वल टू आई आर हमारा एक बेसिक फार्मूला है, उस फॉर्मूले में से अगर हम आई को सब्जेक्ट बनाएं तो वी ओवर आर बनता है, और अगर हमें टोटल करंट चाहिए, आई टी चाहिए, तो वी की जगह वी टी ओवर आर की जगह आर टी। व्हाट इज, प्लीज टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज। मुझे क्या चाहिए था जी, मुझे कलर चेंज करना चाहिए था। ये मुझे क्या चाहिए, मुझे आई टी चाहिए विच इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी। जी प्लीज बताइए व्हाट इज वी टी, व्हाट इज टोटल वोल्टेज की वैल्यू, दैट इज 240। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, दैट इज 60। प्लीज बताइए जवाब क्या है, प्लीज बताइए जवाब क्या है, 4 एम्पेयर्स, 4 एम्पेयर। तो आपसे अगर मैं एक बात पूछूं तो आप ये नहीं कहेंगे सर सर्किट सॉल्व हो गया, आपको सर्किट की टोटल बैटरी का वोल्टेज पता है 240, आपको उसकी टोटल रेजिस्टेंस पता है 60, और आपको उसके अंदर टोटल करंट पता है वो कितना है, दैट इज 4 एम्पेयर। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज आई टी, आई टी इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। जब आप ये निकाल चुके हैं, जब आप ये निकाल चुके हैं कि टोटल करंट कितना है, टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको जाना है वापस अपने बुनियादी सवाल पर। अब मेरा सवाल क्या है, अब मेरा सवाल है कि आप ईच रेजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालें। मैं अब जरा यहाँ पे पार्ट सी लिखना चाहता हूँ, आप अगले अगले पेज पे लिखिएगा, मैं तो अगले सर्किट से असल में अगले पेज पे नहीं जाना चाहता, आप अगले पार्ट में जाके लिखिए, पार्ट सी लिखिए, पार्ट सी लिखे क्या निकालना है जी, पार्ट सी है जी सर निकालना है कैलकुलेट या फाइंड द करंट, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जी तो बच्चों जरा जवाब दीजिए, ये करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, प्लीज टेल मी कैसे निकालेंगे आप करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अगर आप दोबारा, आई वुड लाइक आप ये सर्किट दोबारा बना लें, आई वुड लाइक आप ये सर्किट दोबारा बना लें कि सर ये 240 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से नाउ, पहले तो कुछ भी नहीं था पता, अब तुम्हें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अब हमें पता चल गया टोटल करंट कितना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके ऊपर अब नहीं दोबारा से पार्ट सी के सामने ड्राइंग बनाएं, पार्ट सी के सामने ड्राइंग बनाकर इसके ऊपर कुछ वैल्यूज लिखें। क्या ये कितना करंट था सर, ये 4 एम्पेयर का करंट था। अच्छा अगर ये 4 एम्पेयर का करंट था, बैटरी से कितना निकला, बैटरी से 4 एम्पेयर का करंट निकला, इस R1 में कितना एंटर होगा, 4 एम्पेयर, क्या रास्ते में कंज्यूम होगा, क्या रास्ते में करंट कंज्यूम होता है? नहीं सर, जितना एंटर होता है उतना ही एग्जिट होता है। अच्छा R1 से कितना एग्जिट हुआ, 4 एम्पेयर, R2 में कितना एंटर हुआ, 4 एम्पेयर, R2 से कितना एग्जिट हुआ, वहां से भी 4 एम्पेयर एग्जिट होगा। सर इट इज नॉट द करंट दैट इज कंज्यूम्ड, इट इज द क्या जी, यहाँ पे भी लिखो 4 एम्पेयर, यहाँ से वापस क्या आएगा, यहाँ पे भी लिखो 4 एम्पेयर। अब आपने पार्ट सी के सामने, पार्ट सी का सवाल लिखकर उसके सामने डायग्राम बनाकर, उसके सामने आपने डायग्राम बनाकर उसमें वैल्यूज लिखनी है, और क्या जवाब निकला हमें करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर के लिए, जवाब हमें मिला कि सर करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू द क्या, इज इक्वल टू द टोटल करंट, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द व्हाट, इज इक्वल टू द करंट
करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल, पहले लिख दें। अब इक्वल टू क्या, इक्वल टू, इक्वल टू का इक्वल टू द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। एंड लेट मी टेल यू, इफ आई से आई हैव टू फाइंड आई वन देन आई टू देन आई थ्री एंड इट मस्ट बी क्या आई टी, व्हाट इज दैट, दैट इज 4 एम्पेयर। देखो प्रॉब्लम है, आई वन की वैल्यू, आई टू की वैल्यू, आई थ्री की वैल्यू, आई टी की वैल्यू, सबके सब बराबर है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे बच्चों? ओके अब अगर मैं कहूं पार्ट डी लिखना है, पार्ट डी लिखना है, व्हाट इज पार्ट डी, इट इज फाइंड द व्हाट वोल्टेज dropped, find the voltage dropped across what the, across each resistor, across each resistor. Ji bhai, this is part 4 now. This is part 4 now. Kya karo? Find the voltage dropped across each resistor. अच्छा, I hope आपको पता होगा, voltage dropped across each resistor is different. So in series, though right, not in parallel. जी बिल्कुल ऐसे ही, जी ऐसे ही. Current across each resistor in series. यहाँ पर एक जुमला लिखिए, यहाँ पर एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पर एक जुमला add, लव्ज add कर दें. Current across each resistor connected in pair, connected in series. तो यस, कनेक्टेड इन सीरीज का सवाल सॉल्व कर रहे हैं. कनेक्टेड इन सीरीज जो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल एंड इज इक्वल टू द करंट प्रोड्यूस बाय द इज इक्वल भी लिखे होंगे, लिखे इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द करंट प्रोड्यूस्ड By the battery. अच्छा, हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप निकालो जी. प्लीज बताइए वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे आप? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज व्हाट, इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर. वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट सेम, इज डिफरेंट. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. Voltage dropped across each resistor is different. That is, depends upon the resistance of each resistor. Okay. If it depends upon the resistance of each resistor, तो please ये बताइए इसको मैं कैसे solve करूँगा? पहला पार्ट तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया हुआ है आराम से. जी हमें कहा जी कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द क्या, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो सर वोल्टेज ड्रॉप तो अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, दैट इज वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, या बल्कि ज्यादा बेहतर है वी इज इक्वल टू आई आर, जिसका मतलब है जी मोहम्मद हैदर जब मैं 3 सर्किट्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी 3 के हिसाब से ही सोचना है जब मैं पढ़ा 3 पढ़ा हूँ तो आपको भी 3 का सोचना है. ठीक है, V is equal to IR या V is, अच्छा किधर मोहम्मद हैदर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया बेटा. 60 ओम्स वाला, हाँ वो तो ठीक है. यहाँ तो अगर आपने 240 प्रोवाइड किया है तो 240 ही कंज्यूम होगा ना. अगर आप इस ड्राइंग की बात पूछ रहे हो, इस ड्राइंग में बैटरी ने अगर 240 का वोल्ट ड्रॉप किया है, 240 वोल्टेज प्रोवाइड किया है,
वो 240 का 240 ही इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो हमने उसी 240 को यूज करके ही तो पूरे सर्किट का करंट निकाला है। तो मैं अब ये तो नहीं करा ना, मैं तो अब करंट सॉरी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, एक एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। एक एक रजिस्टर की जब मैं बात करूंगा, एक एक रजिस्टर की जब मैं बात करूंगा तो जरा सुनिएगा क्या होगा। वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज व्हाट सर, इट इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, दैट इज या तो V इज इक्वल टू आई आर को देखें। ओके अब मुझे चाहिए V1, V1 इज इक्वल टू I1 इनटू R1, व्हाट इज I1, I1 इज I इनटू R1, व्हाट इज I, I इज 4, R1 इज 10, सो द आंसर इज 40 ओम्स। ओके V2 चाहिए, V2 इज I2 इनटू R2, नाउ व्हाट इज I2, I2 इज वंस अगेन कांस्टेंट इनटू R2, तो I इज 4 इनटू R2 इज 20, व्हाट इज इट, 4 टू आर 80 ओम्स। फिर देर इज दिस V3 विच इज I3 इनटू R3, इट मस्ट बी आई की जगह आई इंटू R3, तो आई इज 4 इंटू R3 इज 30, सो दी आंसर इज 120 ओम्स। एंड इफ यू चेक मोहम्मद हैदर फॉर योर तसली के लिए कि सर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चेक करो कितना है, V1 इज 40, V2 इज 80, V3 इज 120, इन सब का सम करो, व्हाट डू यू गेट 240 वोल्ट्स। What do you get? You get 240 volts. ये भी तो हमारा एक लॉ था ना, ये भी तो हमारा एक लॉ था ना, सॉरी इट इज नॉट इन ओम्स, इट इज इन वोल्ट्स। जी इस लॉ में हमने क्या किया जी, इस लॉ में ये 40 है, ये 80 है, ये भी तो हमारा एक लॉ था सर, जितना वोल्टेज प्रोवाइड होगा असल में उतना ही वोल्टेज कंज्यूम होगा, उतना ही वोल्टेज यहां तक। किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, कैन वी यूज पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला? ओके गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। यहां तक लिख चुके हो तो मैं आपके सवाल तक लेके जाता हूँ, मैं आपको आपके सवाल तक लेके जाता हूँ। चले पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कब और कैसे यूज होगा, मैं इसका इसके बारे में जरा बता दूं। बच्चों मैं मिटा दूं, मैं सारे को मिटाना चाहता हूं, मिटा दूं, लिख चुके हैं सबके सब, एनीवन जो अभी भी लिख रहा हो मिटा दें सर, नो ओके जी। अब ये जो सवाल है ना, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, बच्चों अभी तो मैंने जो ये सॉल्व किया है, अभी तो मैंने इसको यूं समझिए कि थ्योरी में जिस तरह से सवाल आता है उस तरह से सॉल्व किया है, थ्योरी में जिस तरह से सवाल आता है मैंने इसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर ये MCQs में सवाल आया, अगर यही यही सर्किट MCQs में ड्रॉ हुआ हुआ और उसने डायरेक्टली मुझसे क्या पूछ लिया, पहले ही पार्ट पे अगर उसने कहा, सुनिए जी आप लोग ए बी सी डी, और अगर आप लोग कहें जी एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में क्या होगा, यही सर्किट हो, एक एमसीक्यू बनाइए, डायरेक्ट सवाल है जी, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस R2। हेलो जी, सब सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में कहते जी फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस R2। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ओ लेवल्स वालों को तो नहीं, ए लेवल्स वालों को एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। खैर मैं ए लेवल्स में तो इतना मुश्किल नाम रख रहा हूँ, मैं ओ लेवल्स वालों को भी समझाऊंगा यही बात, लेकिन मैं इतनी मुश्किल करके नहीं, बड़ी सीधी करके समझाऊंगा। ओ लेवल्स वालों से एक सवाल है, ओ लेवल्स वाले जवाब देंगे प्लीज,
ये और ये तीनों किसमें हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। ओके, इन तीनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये वोल्टेज और रेजिस्ट अगर देखें सीरीज में क्या होता है, आप लोग बस याद रखें सर, इस जो आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में क्या चीज सेम होती है? सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप निकालना ना, मैं सबसे पहले कुछ अपने पास साइड पे कुछ पॉइंटर्स लिखता जाऊं कि सर ये सीरीज का सर्किट है। ओके, सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है? सर जी करंट इज सेम। अच्छा, अगर करंट सेम होता है तो वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? क्या आप ये तीन पॉइंटर्स अपने पास लिख सकते हो? सर ये सीरीज का सर्किट है, उस सीरीज के सर्किट में चूंकि करंट सेम होता है, करंट की कोई करंट सेम होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक अगर आई को कांस्टेंट कर दिया जाए, आई इज सेम या आई इज कांस्टेंट, वैसे आई सेम या फिर आई इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी थी कौन सी वाली, जो इक्वालिटी है कौन सी वाली, वी इज इक्वल टू आई आर, क्या चीज कैंसिल कर दूं, आई कॉन्स्टेंट है ना, आई तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आर कर सकता हूं जी। पहले तो ये बता दो, क्या मैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आर कर सकता हूँ? ऑल ओवर में से पूछना चाहता हूँ। ओके, तो यार ये प्रोपोर्शनैलिटी के सवाल को कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं? ओ लेवल्स वाले बताएं, प्रोपोर्शनैलिटी के सवाल को किस मेथड से सॉल्व करते हैं? यूनिटरी मेथड से। ओके ओके, सो आपको चाहिए वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टर। ओके, तो आप क्या कर लीजिए, आपके सर वोल्टेज का तो उस रेजिस्टर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ ताल्लुक है, वोल्टेज का तो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, बड़े गौर से सवाल का जवाब दीजिएगा, टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल, अगर मैं वोल्टेज की जगह टोटल वोल्टेज लिखता हूं 240, तो रेजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? शक्ल पे लिखी हुई आराम से नजर आ जाती है, मेंटल मैथ्स में आराम से नजर आ सकती है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 60 ओम्स। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको वोल्टेज अननोन है, एक्स वोल्ट्स अक्रॉस क्या, अक्रॉस R2, R2 की रेजिस्टेंस कितनी है? समझ आ रहा है, मुझे उम्मीद है। ए लेवल्स वालों ने तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, लेकिन मैं ओ लेवल्स वालों को एक फॉर्मूला बना के नहीं सॉल्व करूंगा, उनको बस मैं प्रोपोर्शनैलिटी समझा रहा हूं कि अगर आप ये मानते हैं कि सर सीरीज के सर्किट में करंट जो है वो सेम या कांस्टेंट होता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो जब उसको इग्नोर किया जा सकता है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आर हो सकता है, तो जो दो चीजें अगर प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनपे क्या लगता है, उनपे यूनिटरी मेथड लगता है। ओके, तो यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया जी, लगा दिया भाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट वुड इट बी, आई वुड से दिस इज V2, दिस एक्स इज V2, V2, what is V2? V2 is 20 into 240 divided by 60. चेक करें जी, वो जो A levels वाले चेक करें, यही फॉर्मूला है ना, 20 जिसकी रेजिस्टेंस है वो ओवर 60 जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इनटू जो टोटल वोल्टेज है, आंसर इज 80 वोल्ट्स। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एक नंबर का अगर सवाल है ये वाला, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर अक्रॉस द रेजिस्टर R2, और नंबर हो एक नंबर तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर वो लंबा चौड़ा सवाल आए तो फिर आप लंबे चौड़े तरीके से कीजिएगा। वो लंबा चौड़ा तरीका क्या है सर? वो लंबा चौड़ा तरीका है, पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो, फिर नेट करंट निकालो, फिर वो हर किसी के अक्रॉस करंट निकालो, फिर हर किसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, तो उस हिसाब से चलिएगा। अगर इस बात में किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। विल दिस ओनली अप्लाई इन सीरीज? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। कैन दिस ऑल्सो बी डन यूजिंग
थ्री रेशो मेथड, थ्री रेशो मेथड कौन सा भाई कुमार, ये क्या लिखा, व्हाट इज थ्री रेशो मेथड, द रेशो मेथड या थ्री रेशो मेथड? ये रेशो मेथड ही ना, यूनिटरी मेथड को हम क्या कहते हैं इसको, रेशो मेथड ही कहते हैं ना, रेशो बना के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या नहीं इसको यूनिटरी मेथड नहीं कहते कुमार बेटा, हाँ या ना कर दो, डोंट यू थिंक, ये ए रेशो बी, नहीं, इतना लंबा नहीं जाना भाई, इतना लंबा नहीं जाना, इतना लंबा नहीं जाना, कर सकते हैं लेकिन मैं वो कराऊंगा नहीं, कर सकते हैं लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मैं इसी को यूनिटरी मेथड, इसी को जो भी आप कहते हैं वो कहूंगा जी। अगर इसमें किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, नो प्रॉब्लम सर, ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, आगे चलो, अगले सवाल पे चलूं फिर, अगले सवाल पे चलूं भाई, हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस अगेन सवाल क्या है, यही सवाल है, सॉल्व क्या, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द फॉलोइंग सर्किट, दिस वाज आपका सर्किट नंबर वन, ये जो आपका सवाल था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन और सर्किट नंबर वन, अब मैं बनाऊंगा सर्किट नंबर टू, सर्किट नंबर टू, सर्किट नंबर टू में आई विल बी सेइंग दिस इज आर वन, जो के 10 ओम्स के बराबर है, दिस इज आर टू जो के 20 ओम्स के बराबर है, दिस इज आर थ्री जो के 30 ओम्स के बराबर है, ओके okay. एक 10 ओम्स, एक 20 ओम्स, एक 30 ओम्स के बराबर है, और वैसे देर इज अ बैटरी, वही है जो कि 240 वोल्ट के बराबर है, देर इज दिस वी टी टोटल वोल्टेज विच इज 240, विच इज 240 जी। तो भाई ये आपका सर्किट है, इस सर्किट में आपका जो सबसे पहला सवाल है, आपका जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है, क्या करते होते हैं, सबसे पहला सवाल क्या था, फाइंड द, अगर मैं लंबे चौड़े तरीके से चलूं तो लंबा चौड़ा तरीका ये कहता है जी, सबसे पहले क्या करो, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, ऑफ द सर्किट जी, प्लीज बताइए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेट रेजिस्टेंस, विच सर्किट इज दिस, इज इट सीरीज और इज इट पैरेलल, पहली बात सर, इट इज अ पैरेलल सर्किट, इफ इट इज अ पैरेलल सर्किट देन यू मस्ट नो इसके आर नेट का फॉर्मूला क्या है, सर वो जरा उल्टा सा है, वन ओवर आर नेट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, हम क्या करते हैं सर, वो रेजिस्टेंसेस को सीधा सीधा ऐड नहीं करते बल्कि उल्टा उल्टा ऐड करते हैं, डू यू गेट दिस, कि सीधा सीधा ऐड नहीं करना बल्कि उल्टा उल्टा ऐड करना है, ठीक है। जैसे पहले कि मैं आगे जाऊं, पैरेलल के बारे में आपको दो बातें और भी पता होनी चाहिए कि पैरेलल सर्किट में और क्या चीज सेम है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है सर, पहली बात है वोल्टेजेस, वोल्टेज अक्रॉस ईच इज सेम एंड करंट अक्रॉस ईच इज, करंट इज डिफरेंट, खैर बहरहाल जो भी है तो बात की बातें हैं, ये तो मैंने पैरेलल वाली बात बात समझानी, फिलहाल वक्त था जी नेट रेजिस्टेंस निकालें, नेट रेजिस्टेंस निकालें, नेट रेजिस्टेंस सर्किट है पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट इज डिफरेंट, और नेट रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन होती है, नेट रेजिस्टेंस, ऐसे आपको बात बताऊं, ऐसे आपको बात बताऊं, जब आप सीधा सीधा ऐड करते हो तो 10 जमा 20 जमा 30, 10+20 30, 30+30 60, जो आर नेट का जवाब होता है वो 30 से भी, मतलब इसके मैक्सिमम रेजिस्टर रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है, लेकिन लेकिन पैरेलल में जब आप इस तरह से ऐड करोगे तो जरा नेट रेजिस्टेंस के बारे में एक बात गौर करना, एक बात पे गौर करना, 1/10
प्लस 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/RT। प्लीज टेल मी ये इसका क्या होगा, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 30 इंटू 3 इंटू 3 इज 3, फिर नहीं 30 एलसीएम नहीं है सॉरी, 10 और 20 और 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, 60 एलसीएम है, 60 एलसीएम है। 10 इंटू 6 1 इंटू 6, 20 इंटू 3 1 इंटू 3 3, 30 इंटू 2 1 इंटू 2 जी क्या हुआ, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 ओवर 60 इज 1/RT। कैन यू प्लीज टेल मी आरटी के लिए क्या करूं? सर वी कैन डू डायरेक्टली थ्रू कैलकुलेटर। ओके कर लें, कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्टली कर लें आप, मुझे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएं। ये तो आरटी का जवाब तो नहीं है, ये तो 1/RT का जवाब था, तो आरटी का जवाब था 60/11। आरटी का जवाब है 60/11, 60/11 ओम्स जी। अब 60/11 को अगर आप कैलकुलेटर में कैरी करें, ओके 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 ये लो जी, ये लो। एक बच्चे ने कहा सर आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया तो रजिस्टर चल नहीं रहे, चल रहे हैं अब, चल रहे हैं, बटन बंद हो गए, अब मैंने बटन ऑन कर दिया, अब चल रहे हैं बेटा, चलो बड़ी मेहरबानी। 60/11 का जवाब होता है 5.45454555, तो खैर जो भी है, हाँ जी मैं इसको 5.45, जो अगला नंबर है 4, उसकी जगह मैं 4545454555, क्या मतलब इसका, राउंडिंग करना ज़रूरी है? नहीं कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, चलो 4.45, ये जो अगला 4 है इस 4 के बाद क्या था, इसके बाद ये 5 था ना, तो इस 5 को जब आप ख़त्म करोगे तो पीछे क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा कि नहीं, तो आई थिंक आई शुड राइट इट 5.455, बट इट इज़ अप टू द क्वेश्चन कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमसे काम को कैरी कराता है। ठीक है, व्हाट इफ आई से कि मैंने 60/11 को ही कैरी करना है, व्हाट इफ आई से कि मैं 60/11 को ही कैरी करूंगा ताकि मेरे जवाब एग्जैक्ट आए। खैर जवाब देखेंगे एग्जैक्ट आते हैं कि नहीं आते। सो पहली बात ये हो गई, क्या आपका पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सर हमारा जो है ना क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, करंट डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, लेकिन और क्या होता है सर, और सीन ये है कि नेट रेजिस्टेंस जो है इज व्हाट, इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये लो जी, हाँ जी क्या हम कह सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 10, आपका नेट रेजिस्टेंस क्या है 10 से भी कम, जो 5.45 रेजिस्टेंस आई है आपकी, तो क्या आप ये कह सकते हो सर कि पैरेलल वाले में क्या होता है, पैरेलल वाले में नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जी तो भाई ओके जी, इस बात को याद रखिएगा। हाँ जी मैं ये तो कह रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा सर विल इट ऑलवेज बी स्मॉलर देन द, विल बी लेसर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एग्जैक्टली। क्या आपके पास अगर हुआ ना, एक हुई 1 ओम, दूसरा हुआ 10 ओम, तीसरा हुआ 100 ओम, चौथा हुआ 1000 ओम, और अगर ये चारों पैरेलल में लगे हुए, आपका जवाब पता क्या आएगा, प्लीज बताइए सर, 1 से भी छोटा आएगा, क्या होगा, क्या होगा जी, अगर आपका 1 ओम ऐसे लगा हो, 10 ओम से लगे हों, 100 ओम से लगे हों, 1000 ओम से पैरेलल में लगे हों, और आप इनका क्या करें, इनका जरा नेट निकालें ना, तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि 1/1 फिर प्लस 1/10 फिर प्लस 1/100 फिर प्लस 1/1000 को जब ऐड करके 1/RT करोगे तो बच्चे ने कैसा दिया आंसर है 0.9, इसकी नेट रेजिस्टेंस आ रही है 0.9। तो आप एक बात तो गौर करो कि नेट रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर 1000 ओम्स का भी था, फिर भी नेट रेजिस्टेंस 0.9 ओम्स आई, कमाल है ना, फिर
ये उसके कॉम्बिनेशन का कमाल है। किसका कमाल है जी? सर ये उसके कॉम्बिनेशन का कमाल है कि हमने उन तीनों को आपस में क्या किया हुआ है, हमने उन तीनों को पैरेलल में लगाया हुआ है। पहले वाला 10 ओम, दूसरा वाला 20 ओम, तीसरा वाला 30 ओम, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उल्टा उल्टा होता है, तो कॉन्सेप्ट उल्टा उल्टा हो गया। सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो गया, नेट रेजिस्टेंस वॉज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। प्लीज इस बात को अपने पास नोट कीजिएगा कहीं। अच्छा खैर, आई होप यू कैन सी कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो क्या है, इसका क्या मैं कह सकता हूँ जी, इसकी आर टी कितनी है जी? 60/11 ohms। इसका वी टी कितना है जी? 240 volt। ओके ओके, मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाल, कैन वी से दिस इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? नहीं, करंट की तो बात ही नहीं हुई। करंट की बात कहाँ से आ गई खदीजा बेटा? अभी तो मैंने करंट की बात ही नहीं की, मैं तो नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल्स विल बी एडेड टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस। व्हेन यू ऐड रेसिप्रोकल्स टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस तो क्या होता है? तो सर जी नेट रेजिस्टेंस का जो जवाब है ना वो स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट आता है जी। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? ओके ओके, तो हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, जैसे पार्ट टू मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस था, अब पार्ट टू मैंने पता आपसे क्या पूछना है, पार्ट टू ये पूछना है फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। तो करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी के लिए पार्ट बी देखिए जी, पार्ट बी देखिए जी, पहला था जी फाइंड व्हाट, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब लिखें फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय The बैटरी। तो बैटरी ने कितना करंट प्रोड्यूस किया है, डोंट यू थिंक कि इसके लिए मैं जो बैटरी ने करंट प्रोड्यूस करना उसको क्या बोले हम, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि सर टोटल करंट, करंट प्रोड्यूस बाय द बैटरी इज आई टी है, आई टोटल, व्हाट इज इट इक्वल टू, वी टोटल, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी टोटल ओवर आर टोटल। इसमें किसी को प्रॉब्लम? वी टोटल इज 240, R total is 60 divided by 11. What would the calculator give you the answer? 240 divided by mera jo pichla answer tha 44. Kya ji? 44 ampere. Haan ji? Oh bhai, ek baat pe gaur karo zara. Ek baat pe gaur karo, yahan se jab iska button on karoge to isme current isme current kitna hai? What is IT? I total kitna hai? सर इट इज 44 एम्पेयर। 44 पिछले सर्किट पे जाओ, पिछले सर्किट में कितना करंट निकला था? हाँ जी आई थिंक 4 एम्पेयर। यार पिछले सर्किट में बैटरी 240 की थी, अभी भी बैटरी 240 की है। पिछले सर्किट में R1, R2 और R3 10, 20 और 30 थे, अभी भी R1, R2 और R3 10, 20 और 30 हैं, अभी भी R1, R2, R3 10, 20 और 30 हैं, ठीक है। सो लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा सर? अब के केस में चूंकि रेजिस्टेंस, अब खदीजा आपकी वाली जो आपका जुमला आएगा, चूंकि आप रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है तो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया है। हाँ जी, अब चूंकि नेट रेजिस्टेंस बहुत कम है तो नेट करंट बहुत ज्यादा है। अब जो खदीजा आपने स्टेटमेंट बोली थी ना सर, चूंकि करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ, अब आपकी बात आएगी कि सर इधर जरा करंट को देखिए,
और इसके रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक को देखिए, ये इनवर्स है, तो रेजिस्टेंस जितनी कम हुई है करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। चेक कीजिए, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई है ना, पैरेलल सर्किट की नेट रेजिस्टेंस बहुत कम है तो पैरेलल सर्किट में करंट बहुत ज्यादा है, दैट इज 44 एम्पीयर्स, दैट इज 44 एम्पीयर्स जी। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके ओके जी, ओके। सो यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, हम यहां से थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ। अब सवाल है जी, पार्ट कौन सा लिखो जी, ए बी सी, सवाल है, आप जरा आगे जाके लिखिएगा, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, जी फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर जी। तो बच्चों कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बेटा, जो सवाल लिख रहा हूं प्लीज उसका जवाब दीजिए। अफमान आमिर, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। सर्किट है सर पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट, हाँ जी पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना, सेम टू व्हाट, सेम टू व्हाट, यहां पे मैं जुमला लिखूंगा, वोल्टेज इज सेम इन व्हाट, इन पैरेलल सर्किट, यस वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो मैं सिर्फ क्या कहूंगा, दिस इज इट इज सेम, इट इज सेम, मतलब क्या है इस बात का, मतलब क्या है सर जी, मतलब वाजिया है कि वी वन की वैल्यू, वी टू की वैल्यू, वी थ्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी टी के बराबर होगी, एंड व्हाट इज इट, इट इज 240 वोल्ट्स, इट इज 240 वोल्ट्स। यहां तक अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आपको पूछने की इजाजत है, आपको पूछने की इजाजत है। ओके ओके अच्छा ओके जी, अब देखिए मैं कहता हूं, अब अगला सवाल लाते हैं, फाइंड व्हाट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, नाउ व्हाट इज इट, नाउ देयर इज दिस पार्ट डी, जो कि मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको मिटाता हूं, जी भाई मैं लिखने लगा हूं जी, पार्ट नंबर डी, पार्ट डी, पार्ट डी इज फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर जी। तो करंट के बारे में क्या ख्याल है आपका जी, करंट इज डिफरेंट, करंट इज क्या, सुनो भाई, फाइंड द करंट अक्रॉस व्हाट जी, ईच रजिस्टर, तो जो करंट है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या है जी सर, वो डिफरेंट है। अब अगर करंट डिफरेंट है तो करंट किस पे डिपेंड करता है, यानी करंट अगर डिफरेंट है जिस तरह वोल्टेज डिपेंड करता था
वोल्टेज डिपेंड कर, पिछले पेज पे क्या था, पिछले पेज पे करंट सेम था तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती थी, इस केस में वोल्टेज सेम है तो करंट डिपेंड्स अपॉन क्या, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे जी, कैसे, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू क्या, वी ओवर आर। तो वी क्या है वैसे, सर वी कांस्टेंट है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी आप चेक करना उसमें करंट कम होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जरा चेक करना उसमें करंट कम होगा। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर मुझे निकालना है आई वन, इट इज वी वन ओवर आर वन, वी वन तो वी के बराबर ही है या वी टी के बराबर ही है, व्हाट इज वी, वी इज 240, व्हाट इज आर वन, इट इज 10, द आंसर इज 24 एम्पेयर्स। अच्छा आई टू इज वी टू अपॉन आर टू, वी टू इज इक्वल टू वी ओवर आर टू, इट इज 240 ओवर 20, द आंसर इज 12 एम्पेयर्स। फिर आई थ्री व्हाट इज इट, इट इज वी थ्री ओवर आर थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री, 240, आर थ्री वॉज 30, व्हाट इज द आंसर, 0 0 से कट गया, इट इज 8 एम्पेयर्स, इट इज 8 एम्पेयर्स। जी तो भाई, और अगर आप एक बात पर गौर करें, और अगर आप एक बात पर गौर करें तो आपको एक बात ये पता चलेगी, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता चलेगा कि सर जी सिचुएशन क्या चल रही है, सिचुएशन ये चल रही है कि अगर आप टोटल करंट्स ऐड कर दें, 24 आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इट विल बी इक्वल टू आई टी, चेक इट आउट, अगर आप इन सब का सम निकालें, मतलब अगर आप इन सब का सम निकालें तो डू यू गेट 240 प्लस 12 प्लस 8, व्हाट इज इट, इजन इट 44। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, अगर थोड़ा गौर किया जाए तो सर्किट को देखा जाए, सर जब बैट कर बट इसको आपने जब ऑन किया तो इसमें से कितना करंट जा रहा था, सर 44 एम्पेयर करंट जा रहा था, 44 एम्पेयर करंट जा रहा था, यहाँ पे से 240 लिखा है किधर, उपसी 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 0 जी। अच्छा जी, क्या कह रहा था ये, यहाँ से 44 एम्पेयर करंट गया। अब ये एक पॉइंट है, एंटर तो 44 हुआ है, यहाँ कितना गया, यहाँ से 10 एम्पेयर गया, यहाँ से कितना गया, यहाँ से सॉरी 10 नहीं गया, 10 नहीं गया, 10 नहीं गया जी, ऊपर कितना गया था जी, ऊपर पहला कितना था 24, 24 एम्पेयर उधर गया, फिर इसमें से कितना गया जी, 12 एम्पेयर इसमें से चला गया, फिर इसमें से कितना गया जी, हैं सर यहाँ पे जो है ना वो क्या बोलते हैं 8 एम्पेयर उधर चला गया, फिर यहाँ से एग्जिट भी कितना हुआ होगा, एग्जिट तो सर यहाँ से भी 24 हुआ, यहाँ से एग्जिट 12 हुआ, यहाँ से एग्जिट कितना हुआ, सर यहाँ से एग्जिट 8 एम्पेयर हुआ, मुझे बताइए यहाँ से वापस कितना निकला, ये कितना निकला, व्हाट इज दिस वैल्यू, प्लीज बच्चों ये बता दीजिए ये कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है, सर जितना एंटर हुआ था यहाँ से, थोड़ा पहले स्प्लिट हुआ फिर अल्टीमेटली दोबारा कनेक्ट हुआ तो 44 ही है सर ये। जी तो बच्चों बताएंगे क्या इसमें किसी को परेशानी है। जी भाई यहां तक किसी को परेशानी है, एनीवन क्लियर है सर, क्लियर हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। बच्चों इससे पहले कि मैं थर्ड सवाल स्टार्ट करूं जल्दी से इसको नोट कीजिए। जी तो बच्चों यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, मिटा सकता हूं, प्लीज बताइए क्या मैं उसको यहां से मिटा सकता हूं। ओके ओके, अब मैं ना इधर भी आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाता हूं, इधर भी आपको भी मैं एक एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्या
कि अगर वो डायरेक्ट हमसे पूछ ले, क्या चीज हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाए? जी तो भाई, एक सर्किट आपके सामने बना हो इस तरह से पैरेलल, इस तरह से पैरेलल। अब आपको पता है कि पैरेलल सर्किट में क्या चीज सेम होती है? पैरेलल सर्किट में क्या चीज सेम होती है, प्लीज ये बताइए। सर, वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, इनमें से किसी के भी वोल्टेज का पूछा जाए, इनमें से किसी के भी वोल्टेज का पूछा जाए, तो वो क्या होगा? अगर मेरे को आपसे एक एमसीक्यू पूछा गया है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस आर टू, क्या करेंगे आप? कोई वो जो मैंने यूनिटरी मेथड लगवाया था वो लगाएंगे? हैं, ओ लेवल्स वालों से सवाल है बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा आर टू के अक्रॉस? अगर एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में तो क्या जवाब लिखेंगे? सेम तो होता है, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? आपसे डायरेक्टली वन नंबर का मार्क है सर। जितना ये यहां पर है, जितना ये क्या कहते हैं, जितना सर ये बैटरी लगी है, बस सीधा सीधा जवाब दें, 240 वोल्ट। वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है ना, सेम टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। क्या होता है सर? जो वी टू होगा वो बेसिकली वी टी के बराबर होगा, वो 240, सिंपल। और अगर आपसे उसने पूछा, और अगर उसने आपसे पूछा, ये भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू में पूछा, फाइंड द करंट अक्रॉस आर टू के अक्रॉस। कोई पोटेंशियल डिवाइडर शिवाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पोटेंशियल डिवाइडर वो जो यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आर टू का वोल्टेज भी पता है, आपको आर टू की रेजिस्टेंस भी पता है। आप डायरेक्ट बताइए वीजी करंट निकाल रहे हैं। करंट इज इक्वल टू क्या? V इज इक्वल टू V अपॉन R। और आपको बताऊं, आप सिर्फ बाकी तमाम सर्किट्स को थोड़ी देर के लिए भूलकर, सिर्फ इस सर्किट को फॉलो कर लें, सिर्फ इस सर्किट को फॉलो कर लें। सर जी, व्हाट इज हैपनिंग? इस R2 को वोल्टेज कितना मिला? 240। इस R2 की रेजिस्टेंस कितनी है? 20। क्या जवाब है? R2 को वोल्टेज मिला 240 का, आपने अपने ऊपर निकाला ना, फिर उसकी रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस है 20। व्हाट इज द आंसर? 12 एम्पेयर्स। तो अगर आपने पैरेलल को ऐसे, पैरेलल वाले का कोई एमसीक्यू आता तो डायरेक्ट खेल जाए, सीधा सीधा, कोई यूनिटरी लगाने की जरूरत भी नहीं है, कोई यूनिटरी लगाने की जरूरत भी नहीं है। सर, एक राउंड में बैटरी डेड हो जाएगी। नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन अब्दुल मोइज़, आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज नो मीनिंग एट ऑल। एक राउंड को टाइम कितना लगेगा पता नहीं, आप किस तरह से इसके, क्या आपके दिल दिमाग में है क्या? बच्चों जरा प्लीज सुनिए, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर जब एक राउंड मुकम्मल होगा तो क्या बैटरी डेड हो जाएगी? इट मींस आपको बैटरी का अच्छे से पता नहीं है। बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, वो कॉन्टिन्यूसली बैटरी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। एक राउंड हुए, पहले वो बैटरी ने क्या करना है? बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाके, यहां से यहां यहां भेज देना है, फिर मजीद रिएक्शन होगा, रिएक्शन होता रहेगा, और उस रिएक्शन में जब तक क्या होता रहेगा, जब तक उस बैटरी के अंदर कोई फ्यूल जो है, या जो उसका जो भी केमिकल फ्यूल है, जो भी उसके अंदर जो चीजें हैं, जब तक वो खत्म नहीं होती, तब तक वो चार्जेस को यहाँ से निकालता रहेगा, और चार्जेस यहाँ से जाते रहेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते रहेंगे, यहाँ आते रहेंगे। और हाँ, बैटरी अंदर से खत्म हुई तो करंट खत्म होगा। राउंड एक लगेगा कि दो लगेंगे, ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितने राउंड लगेंगे। ये तुम्हारा काम ही नहीं है कि चार्ज को राउंड कितने लगेंगे। हमारा काम बस इतना है
इफ रेजिस्टेंस इज सेम देन विल इक्वली बी डिवाइड. हाँ यस यस एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली. एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर इसकी रेजिस्टेंस भी 10 होती, इसकी भी 10 होती, इसकी भी 10 होती, सबकी रेजिस्टेंस 10 होती और मिसाल के तौर पर यहां से करंट आता 60 एम्पेयर्स, तो आप करंट के क्या कर देते, तीन हिस्से, तीन हिस्सों में से एक हिस्सा इधर चला जाता, एक हिस्सा इधर चला जाता, एक हिस्सा इधर, लाइक 20 एम्पेयर्स इनटू दिस, 20 एम्पेयर्स इनटू दिस, 20 एम्पेयर्स इनटू दिस. इफ द टोटल वाज 60, इफ द टोटल वाज 60 एंड देयर वर थ्री इक्वल रेजिस्टर्स, इफ दीज वर थ्री इक्वल रेजिस्टर्स. अच्छा अक्सर ना पता है सवालों में क्या होता है, अक्सर एमसीक्यू ऐसा आता है, मगर चलो जब एमसीक्यू आएंगे तो मैं जितने जनरल सवाल करा रहा हूँ करा दिए, जनरल जो सवाल कराना चाहता था करा दिए. यहाँ से आगे आप टिपिकल एग्जाम्पल्स जब होंगी उन्हीं में देखेंगे. जी यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके अब मेरे पास आपको देने के लिए एक होमवर्क है, छोटा सा एक छोटा सा होमवर्क है जी. क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने एक सर्किट में बना के देता हूँ, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ठीक है, सवाल लिखिए प्लीज अपने पास, सवाल लिखिए जी सॉल्व. हाँ आते हैं उस तरफ, अभी पढ़ना है. सॉल्व द रेजिस्टिविटी, महत जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे. महत बेटा जैसे अभी आपको मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना. ठीक है अच्छा. सो सॉल्व क्या, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. अच्छा सॉल्व मतलब हर चीज निकालनी है, फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. अब मैं उन तीनों को ना तो आपस में सीरीज में करूंगा, ना उन तीनों को पैरेलल में करूंगा, बल्कि मैंने क्या करना है, बल्कि थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है. क्या, दो को सीरीज में रख के, दो को सीरीज में रख के तीसरे को पैरेलल है, कैसे, ऐसे. ये आर वन है 10 ओम्स, ये आर टू है 20 ओम्स, इन दोनों को सीरीज में रख के इनके साथ एक R3 को जो कि है 30 ओम, उसको अगर मैं ऐसे पैरेलल में लखूं और इनके साथ क्या करूं जी, ये स्विच लगाऊं, यहाँ पे भी अभी भी वही टोटल वोल्टेज जो मैं प्रोवाइड करूँ वो हो 240 वोल्ट, वो कितना हो जी, वो 240 वोल्ट हो. तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा बच्चों, इस सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, इस सर्किट को सॉल्व करने का प्लीज मतलब बताइए सर. हर रेजिस्टर के अक्रॉस मतलब क्या क्या चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ आपको. आपने सबसे पहले पार्ट में आर नेट निकालना है, फिर आपने दूसरे पार्ट में आई नेट निकालना है, फिर आपने तीसरे पार्ट में क्या कहते हैं I1, I2 और I3 निकालना है, फिर आपने चौथे पार्ट में V1, V2 और V3 ये निकालना है. ठीक है, बल्कि एक सेकेंड, तीसरे पार्ट में क्या I एंड V इकट्ठा बेशक निकाल लीजिएगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये चीजें निकालनी है. एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये बता दिया, एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसमें ये तो ना दो सीरीज थर्ड पैरेलल, इफ ऐसे दो पैरेलल और थर्ड सीरीज, दो अगर मैं पैरेलल में लगाऊं, R1 इज 10 ओम्स, R2 इज 20 ओम्स, पहले मैंने इन दोनों को सीरीज में लगा के थर्ड पैरेलल में, अब मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा के थर्ड अगर मैं ऐसे लगाऊं,
जी, यहाँ पे वही टोटल वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की जाए, 240 वोल्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जी तो बच्चों, ये दो आपने सर्किट सॉल्व करने हैं। इस सेकंड सर्किट में भी आपने क्या करना है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, देखिएगा इसको जरा, प्लीज सॉल्व करिएगा। कल इंशाल्लाह इसकी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाएगी, कल इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी मजीद डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, अभी आप लोगों का जरा 2 मिनट का इंतजार, 2 मिनट रुकिए, मैं जरा सर काशिफ से पता कर लूँ, विल ही बी एबल टू टेक योर मैथ्स क्लास और नॉट। ठीक है, जरा 2 मिनट रुकिए, मैं सर काशिफ को जरा कॉल करके पता कर लूँ। सर काशिफ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। प्लीज सर काशिफ की मैथ्स की क्लास जाके अटेंड कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस पार्ट टू में दूसरे सर्किट का भी सेम कुछ करना है, सेम आर नेट और ये क्या कहते हैं आई नेट, और फिर आई एंड वी अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है, सर वो कैम्ब्रिज की ईमेल आई थी कि एग्जामिशन की तारीख क्या हो गई है, 9 अप्रैल तक हो गई है, और आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आज। अच्छा ओके, नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से वो मैंने मुझे मुझे मैसेज नहीं आया, मैं थोड़ा पिछले वाले ही अपडेट को लेके चल रहा था, ठीक है। तो कैम्ब्रिज की आप लोगों को पर्सनली अपडेट्स ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आई होंगी, तो जी जनाब उसकी तारीख 9 मई ही है। जरा ओ लेवल्स वाले 2 मिनट रुकेंगे प्लीज, यहाँ पे बच्चों ओ लेवल्स वाले 2 मिनट रुकेंगे।